भारत के विकास की कहानी कहती ये तस्वीर भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे 6 लेन अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की है, जिसके एक भाग यानी राजस्थान वाले हिस्से का उद्घाटन शनिवार यानी 8 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे। राजस्थान वाला हिस्सा मतलब हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाली गाँव से जालौर जिले के खेतलावास गाँव तक बने एक्सप्रेसवे के हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। अब आपको बताते हैं इस पूरे 6 लेन एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में। ये एक्सप्रेसवे देश के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को जोड़ेगा। अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाला ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 917 किलोमीटर लंबा होगा। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से 7 बंदरगाह, 9 प्रमुख एयरपोर्ट और 1 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जुड़ेंगे। ये एक्सप्रेसवे अमृतसर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और कच्छ जैसे पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये एक्सप्रेसवे भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर की 3 प्रमुख तेल रिफाइनरी को जोड़ने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को जामनगर और कांडला के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेगा। ये जो जामनगर का अब हाईवे बन रहा है, देखिए इससे सभी को बेनिफिट मिलेगा। आने जाने वाले सामान के जो ट्रक हैं उनको भी, बसेस को भी, जो कोई कारों के रास्ते से जाते हैं उनको भी। कुल मिलाकर अमृतसर जामनगर कॉरिडोर भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़ेगा, जिससे न सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम होगी बल्कि यात्रा के समय में काफी कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा माल ढुलाई में मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक रफ्तार और तेज होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।